हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बिलियन विद यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ एयरबीएनबी की पिच डेक। जी हाँ, एयरबीएनबी की पिच डेक को मैंने डाउनलोड करा, उसको पूरा अंडरस्टैंड करा और इजी फॉर्मेट के अंदर मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, जिससे आप समझ सको कि बड़ी कंपनी के फाउंडर्स कैसे पिच डेक को बनाते और कैसे उन्होंने उस समय फंडिंग उठाई थी जब उनके पास पैसे नहीं थे। देखिए, आज एयरबीएनबी 125 बिलियन डॉलर की कंपनी है, बट जब इसकी शुरुआत हुई थी ना, तब इन तीनों फाउंडर्स के पास घर तक नहीं था, खाने के पैसे नहीं थे, तो कैसे इन्होंने बिलियंस ऑफ डॉलर की कंपनी बनाई, वो इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। देखिए, एयरबीएनबी का मतलब मैं आपको समझाता हूँ। इसका मतलब है एयर ब्रेड एंड ब्रेकफास्ट। शुरुआत में जो डोमेन था वो इसी नाम से था, बाद में कंपनी की रीब्रांडिंग करी गई और उसका नाम रख दिया गया एयरबीएनबी। जो वर्ड्स के इनिशियल थे उसको इन्होंने उठा लिया, जिससे ये कॉइन नेम क्रिएट कर सके। देखिए, शुरुआत में फाउंडर्स के पास पैसे नहीं थे, उनको नहीं पता था बिजनेस कैसे चलेगा, उनको तो खुद पैसों की ज़रूरत थी। उनके पास एक एक्स्ट्रा रूम था, वहाँ पे उन्होंने लोगों को रेंट आउट करना चालू करा कुछ डॉलर्स के लिए। वो मॉडल इनको अच्छा लगा, पायलट रन इनको अच्छा लगा, लोगों ने रिस्पॉन्स देना चालू करा। इसी के चलते जो इस कंपनी का फाउंडर था ब्रायन चेसी, उसने सोचा क्यों ना इसको एक बिजनेस मॉडल में कन्वर्ट करा जाए और बिलियंस ऑफ डॉलर कंपनी बनाया जाए। ब्रायन चेसी एक बहुत अच्छा एंटरप्रेन्योर है, इनके काफ़ी सारे इंटरव्यूज मैंने सुने और इनका एक कोट मुझे बहुत अच्छा लगा, If you launch, no one notice, then launch again. We launch 3 times. मतलब इन्होंने बहुत बार अपनी कंपनी को रीनेम करा, ब्रांडिंग करी, प्रोडक्ट को बार बार लॉन्च करा, टेस्ट करा, बार बार फेल हुए। क्योंकि देखिए, जो कंपनी का मॉडल था ना, वो बहुत मुश्किल था ऐसे कस्टमर बेस को अट्रैक्ट करना। क्योंकि देखिए, इनके लिए सबसे बड़ी दिक्कत क्या थी, होटल इंडस्ट्रीज को ये कन्वर्ट नहीं कर रहे थे, ये कन्वर्ट कर रहे थे नॉन कस्टमर को, इम्परफेक्ट मार्केटर को। मतलब ऐसा आदमी जिसके पास घर में या तो एक्स्ट्रा रूम है, फ्लैट है, या फिर जिसके पास एक्स्ट्रा घर है रेंट पे देने के लिए। अब ऐसे आदमी को कन्वर्ट करना अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर बहुत मुश्किल पड़ता है। ये होता है इम्परफेक्ट मार्केट, उसको लेकर आए परफेक्ट मार्केट के अंदर, बट वहाँ पे इनको बहुत ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट मार्केटिंग करनी पड़ी। अब उसके लिए इनके पास पैसे नहीं थे। ब्रायन चेसी ने वाई कॉम्बिनेटर में अप्लाई करा। वाई कॉम्बिनेटर के बारे में बताता हूँ, ये एक इंक्यूबेटर है और दुनिया का वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल इंक्यूबेटर्स है। यहाँ से बड़े बड़े स्टार्टअप्स निकलते हैं, एयरबीएनबी यहीं इंक्यूबेट हुआ था। वाई कॉम्बिनेटर ने इनको काफ़ी सपोर्ट करा, मेंटोरशिप दी, गाइडेंस दी, उसी के बाद एयरबीएनबी ने पीछे मुड़ के नहीं देखा। फिर एयरबीएनबी के फाउंडर ने पिच डेक को तैयार करा और उसी पिच डेक को वीडियो फॉर्मेट के अंदर मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। पिच डेक में सबसे पहले उन्होंने कोट लिखा, बुक रूम्स विथ लोकल्स रादर देन होटल्स। ये टैगलाइन इनकी बहुत अट्रैक्टिव थी, जिसको काफ़ी इन्वेस्टर्स ने अट्रैक्ट करा। उसके बाद प्रॉब्लम स्टेटमेंट इन्होंने बताई, प्राइजेस। देखिए क्या है, आज के टाइम में ना होटल्स के प्राइजेस बहुत ज़्यादा हैं। अगर मैं अमेरिका जैसे कंट्री की बात करूं, वहां तो होटल के प्राइसेस अलग लेवल पे चलते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है बुकिंग को लेके, ट्रैवल को लेके। अगर ऑनलाइन कोई सर्च कर रहा है होटल्स को, तो वो सर्च करता है कहाँ पे उसको बेस्ट अफोर्डेबल रेट्स में मिल सकता है। दूसरी इन्होंने प्रॉब्लम बताई कि अगर इंडिया से कोई ट्रैवल करने वाला यूएस में आ रहा है, तो उसको कल्चर नहीं मिलता है। मतलब वो यूएस का कल्चर होटल में रह के नहीं देख सकता है, वो सिर्फ घर के अंदर रह के यूएस का कल्चर देख सकता है। तीसरी प्रॉब्लम इन्होंने बताई कि ऐसा कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म नहीं था जहां से कोई भी गेस्ट फाइंड आउट कर सके एक लोकल को ऑनलाइन और वहां पर स्टे कर सके। क्योंकि देखिए, ट्रस्ट के इशू हर जगह रहते हैं, होस्ट को नहीं पता उसका गेस्ट कैसा होगा और गेस्ट को नहीं पता होस्ट कैसा होगा। इसीलिए ट्रस्ट को देखते हुए इस प्लेटफॉर्म पे इन्होंने रिव्यूज के ऑप्शन लगाए और बहुत सारे ऑप्शन को बिल्ड करे। उसके बाद इन्होंने सोल्यूशन दिखाया अपने पिच डेक के अंदर। सोल्यूशंस में इन्होंने बताया कि हमारे प्लेटफॉर्म पे यूजर्स आएंगे, प्लेटफॉर्म एआई की मदद से पूरा अच्छे से डिजाइंड होगा, जहां पे कोई भी होस्ट इजीली रेंट आउट कर सकता है अपने फ्लैट को, हाउस को और अपने रूम को। अब इसके बेनिफिट्स क्या है इस प्लेटफॉर्म के, सबसे पहला बेनिफिट है सेव मनी, ये पैसा बचाता है। दूसरा है मेक मनी। मतलब देखिए, इन्होंने दो कस्टमर को पकड़ा, पहला था एक आदमी जो ट्रैवल कर रहा था, उसको एक्सपेंसिव होटल में रुकना है तो उसका पैसा बचा लिया। दूसरा इनका मॉडल था मेक मनी, कैसे, ऐसा आदमी जिसके पास एक्स्ट्रा घर पड़ा है, फ्लैट पड़ा है, रूम पड़ा है, उसको पैसा कमाने की अपॉर्चुनिटी थी। तो देखिए, इन्होंने दो चीज़ें पकड़ी बिजनेस की, मेरा कस्टमर पैसा कहाँ गंवा रहा है, कौन गंवा रहा है, कस्टमर जो महंगा होटल बुक कर रहा है, तो उसमें इन्होंने कॉस्ट सेविंग कर दी। दूसरा इन्होंने देखा कि मेरा कस्टमर पैसा कहाँ से कमा रहा है, मतलब इनका वो कस्टमर जो होस्ट है वो अपना फ्लैट, हाउस, रूम रेंट आउट कर सकता है, तो उसको कमाने में मदद करी कि ये आपका अनप्रोडक्टिव असेट था, हमने इसको प्रोडक्टिव करा, इससे आपको पैसा बनाना सिखाया, इससे ये कंपनी ग्रो करी। उसके बाद इन्होंने कल्चर को शेयर करा, बहुत सारी वीडियोस मार्केटिंग करी इन्होंने, अच्छे तरीके से मार्केटिंग करी, ये समझाया
कि हम सिर्फ एक बुकिंग प्लेटफॉर्म नहीं है, हम एक कल्चर प्लेटफॉर्म है, हम एक कल्चर डेवलप कर रहे हैं। और देखिए आज एयरबीएनबी है ना, कोई रूम ओन नहीं करता है, कोई हाउस ओन नहीं करता है, कोई फ्लैट ओन नहीं करता है, वो एक प्लेटफॉर्म है। इसको बोलते हैं सैटेलाइट, मतलब आपने एक प्लेटफॉर्म बना दिया जहाँ पर दो लोग मिलकर ट्रांजेक्शन कर रहे हैं। जब दो लोग मिलकर एक प्लेटफॉर्म पर ट्रांजेक्शन करते हैं ना, तो ट्रांजेक्शन कट आप रखते हो, उससे आप पैसा बनाते हो। इसको बोलते हैं सैटेलाइट मॉडल। देखिए फिर इन्होंने अपने पिजटेक के अंदर मार्केट वैलिडेशन दी। अब ये पॉइंट क्या होता है और ये सबसे जरूरी होता है, देखो कभी भी इन्वेस्टर को पिच कर रहे हो ना, उसको दिखाना पड़ता है मार्केट में एग्जिस्टिंग कंपटीशन कौन सा है, क्या आप उनसे बेटर कर रहे हो, कितने उनके कस्टमर हैं, कितने उनके यूजर्स हैं और कितना रेवेन्यू वो जनरेट कर रहे हैं। और उसका बेस्ट तरीका मैं आपको, तो आप क्या कर सकते हो, आप लोग क्या कर सकते हो, एमसीए की वेबसाइट पे जाना, कॉम्पिटिटर्स की प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती है, वहां से जाके आप उनकी बैलेंस शीट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डाउनलोड कर सकते हैं और उससे एनालिसिस कर सकते हैं और इन्वेस्टर्स को दिखा सकते हैं। अब बात करते हैं कि इन्होंने और आगे पिजटेक के अंदर क्या डाला। अब इन्होंने डाला कि कितना रेवेन्यू जनरेट करेंगे, क्या इनका बिजनेस मॉडल है। फिर इन्होंने अपने पिजटेक के अंदर प्रोडक्ट्स की फोटो दिखाई कि इनकी वेबसाइट मोबाइल एप्लीकेशन कैसी दिखेगी, यूजर्स की प्रोफाइल कैसी होगी, यूजर्स अपना अकाउंट कैसे बनाएगा, सबके फोटोज को अटैच करा, जिससे इन्वेस्टर्स का और ट्रस्ट बिल्ड हुआ कि अच्छा प्रोडक्ट रियलिटी के अंदर ऐसा दिखेगा। क्योंकि देखिए शुरुआत के अंदर इनकी वेबसाइट बहुत बेसिक थी, उसके बाद इनको चाहिए थी फंडिंग जिससे ये अच्छा CTO डिज़ाइनर हायर कर सके, और उसी के लिए उन्होंने डिज़ाइन को तैयार करवाया जिससे ये इन्वेस्टर्स को दिखा सके कि फंडिंग आने के बाद इतना अच्छा डिज़ाइन हम वेबसाइट का देंगे। अब बात करते हैं इनके रेवेन्यू मॉडल की। देखिए इन्होंने रेवेन्यू मॉडल के अंदर बहुत सिंपलिसिटी से दिखाया कि हम हर ट्रांजेक्शन का 20% कमीशन चार्ज करेंगे। बहुत सिंपल, कोई ऊपर नीचे की गणित नहीं, सिंपलिसिटी से फॉर्मूलाज दिखाए कि $25 एवरेज पर यूजर से हम अर्न करेंगे अगर साल की इतनी एन नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन हो रही है, उससे इन्होंने मल्टीप्लाई कर दिया और साल का एक रेवेन्यू दिखा दिया। उससे क्या हुआ, इन्वेस्टर को समझ में आया कि आने वाले 5 सालों में कंपनी की वैल्यूएशन क्या होने वाली है और कंपनी कैसे ग्रो करेगी रेवेन्यू के टर्म्स में। फाइनली कंपनी को फंडिंग मिल गई और आने वाले टाइम के अंदर इन्होंने बहुत ज़्यादा फंड रेज करा। और देखिए फाउंडर्स ने बहुत सारी चीज़ों को अंडरस्टैंड करा, समझा। ब्रेन के मैं इंटरव्यू सुन रहा था, उन्होंने एक बहुत अच्छी चीज़ बोली, जो हमारा फोकस है ना वो होस्ट के ऊपर है, ना कि गेस्ट के ऊपर। क्योंकि देखिए हमारा कस्टमर कौन है, हमारा कस्टमर है होस्ट, और होस्ट का कस्टमर है गेस्ट। अगर मेरा होस्ट खुश रहेगा, उसकी सारी प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व कर देंगे, तो गेस्ट खुश रहेगा। इकोसिस्टम, देखिए क्या बोला मैंने वापस समझाता हूँ, अगर हमारा होस्ट खुश रहेगा तो उसका कस्टमर जो कि गेस्ट है वो खुश रहेगा। तो उन्होंने अपने प्राइमरी कस्टमर के ऊपर सबसे ज़्यादा फोकस करा, वो करा होस्ट के ऊपर, कि होस्ट को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, उसके लिए सपोर्ट सिस्टम, मैनेजर्स, कॉल सेंटर, ये सब कुछ डेवलप करा। और इनकी एक बहुत अच्छी कोट मैंने पढ़ी, वो ये था, वी आर बिल्डिंग अ कम्युनिटी नॉट कमोडिटीज। मतलब समझिए ये एयरबीएनबी के ऊपर है ना, इनका मकसद ये नहीं है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा असेट्स को लेकर आएँ, कंपनी को हैवी करें। इनको कमोडिटीज़ नहीं बनानी, घर नहीं खरीदने, फ्लैट नहीं खरीदने, होटल नहीं खरीदने, इनको सिर्फ एक कम्युनिटी डेवलप करनी है। कौन सी कम्युनिटी, ऐसी कम्युनिटी जो लोग सस्ते के अंदर स्टे को देख रहे हैं, कल्चर को एक्सप्लोर करना चाहते हैं दूसरे देशों में जाते समय, और दूसरी कम्युनिटी जिनके पास घर, फ्लैट, एक्स्ट्रा रूम्स पड़े, वो उससे पैसा कमाना चाहते हैं, दूसरे कल्चर के लोगों को अपने घर के अंदर, फ्लैट के अंदर, रूम के अंदर होस्ट करना चाहते हैं, उस कल्चर के ऊपर ये वर्क कर रहे हैं, ना कि कमोडिटी के ऊपर। तो ये बहुत अच्छा लेसन था इनके फाउंडर ब्रेन से। सो फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आपको सीखने को मिली होगी एयरबीएनबी के पिचडेक से। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसको लाइक करो और मुझे बताओ कौन से कंपनी की पिचडेक के बारे में आप जानना चाहते हो, तो हम उस कंपनी की पिचडेक के ऊपर नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे। आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, हम लोगों को इतना प्यार एंड सपोर्ट दिया, उसके लिए धन्यवाद।